लंबी कश्मकश और मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार सीएम कमलनाथ ने अपनी टीम घोषित कर दी है। इस मंत्रिमंडल में 28 सदस्यों को जगह मिली है। दोपहर करीब 3 बजे राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए रिपोर्ट। जिस दिन का कांग्रेसी विधायकों से लेकर मध्य प्रदेश की जनता तक को इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया जब सुबह के नए सीएम कमलनाथ ने 28 सदस्यों की टीम की घोषणा की। इस कैबिनेट में कमलनाथ ने जाति, क्षेत्र और क्षत्रपों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि सबसे ज्यादा जगह कमलनाथ समर्थक विधायकों को ही मिली है, साथ ही 2 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रज्ञा गवर्नमेंट बोर्ड हटा रहा हूं। इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, गोविंद सिंह, हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील, बाला बच्चन, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, प्रदीप जायसवाल, लाखन सिंह यादव, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंघार, हर्ष यादव, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, लखन घनघोरिया, महेंद्र सिसोदिया, पीसी शर्मा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सचिन यादव, तरुण भनोट, सुरेंद्र सिंह बघेल, इमरती देवी, कमलेश्वर पटेल और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। कमलनाथ मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा कमलनाथ गुट के 10, दिग्विजय सिंह के 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 और अरुण यादव गुट के 1 विधायक को जगह दी गई है। साथ ही कमलनाथ ने सूझबूझ और मंथन के बाद जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, जिसमें 8 ठाकुर, 5 पिछड़ा वर्ग, 2 ब्राह्मण, 3 यादव, 4 आदिवासी, 5 अनुसूचित जाति और 1 मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।